क्वेश्चन है कि जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपया से कम होकर 2 रुपया प्रति आइसक्रीम हो जाती है, पर आइसक्रीम 2 रुपया हो गया, पहले 4 रुपया कीमत था वो घर पर 2 रुपया हो गया, तो उस आइसक्रीम की जो मांग है 1 आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है, यानी जब 4 रुपया था तो उसका 1 आइसक्रीम की मांग थी, जब कीमत 2 रुपया हो गया तो 4 आइसक्रीम की मांग हो गई, तो बोलता मांग की लोग ज्ञात करें, इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ऐसे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे जो पहले बताए थे वो भी, और ये भी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला आपको ये सब पता करना है कि पी क्या है, तो पहले हम जानते थे कि अब पता पढ़े थे कि पी जो है इनिशियल प्राइस है, प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत कितना हो गया 4, P1 क्या है, नई कीमत क्या है 2, Q जो है प्रारंभिक मान वो था 1, और Q1 जो है वो 4, तो हमें डेल्टा क्यू निकालना है और डेल्टा पी, तो डेल्टा क्यू बराबर Q1 माइनस क्यू होता है, तो Q1 कितना है 4 माइनस 1, क्यू कितना 1, तो डेल्टा क्यू बराबर 3, ये भी निकल गया, डेल्टा पी बराबर P1 माइनस पी, तो P1 जो मेरा है वो 2 है माइनस 4, इसका टू डेल्टा पी मेरा निकल गया माइनस 2। अब ये सारे चीज को हम लोग इससे पुट कर देते हैं, एडी इक्वल टू डेल्टा क्यू जो है हमारा है 3, डेल्टा पी है माइनस 2, पी हमारा है 4 और क्यू हमारा है 1, कट गया, ये माइनस प्लस हो जाता है, और इसको इसको गुना करेंगे तो ईडी इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी मान की लोच 6 के बराबर है, और 6 क्या है 1 से बड़ा है, तो मान की लोच लिखेंगे, मान की लोच इकाई से अधिक, यानी ED is greater than 1 है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, पहले हम ये सब निकाल लें, डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी वन पी क्यू वन पी और क्यू, उसके बाद इसको फिर से पुट करके हम बताएंगे।